हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड आई होप ऑल इज वेल सो नाउ ऑन योर स्पेशल डिमांड आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इन ब्रीफ दैट इज क्लासिसम ऑफ द क्लासिक्स फ्रॉम द पेपर लिटरी मूवमेंट्स सो व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली exactly, ऐसे uh, है क्या पूछा जा रहा है सो so, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करनी है तो सबसे पहले दिस इज रिचन बाय डॉक्टर जीन हाईटियो राइट स्पेलिंग्स क्योंकि पेपर में गलत नहीं होने चाहिए तो इसको ऐसे लर्न कर लो तो दो द दो प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट इट्स हाई थी योर थी योर राइट ऐसे करके इसकी स्पेलिंग्स को लर्न करना आसान है सो इट वॉज ओरिजिनली रिटन बाय हिम बट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अनदर स्कॉलर जिनके नेम जो है आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है सो वॉट एग्जैक्टली दिस एसे इज अबाउट सो द एस इज एन अटेम्प्ट टू फिगर आउट द डिफीनिशन ऑफ क्लासिसिज्म वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिसम एंड इट्स रिलेशन विद रोमांटिसिजम तो बेसिकली थ्री मेन फोकस पॉइंट फर्स्ट इज डेफिशन ऑफ क्लासेसिज्म वॉट इज इट देन वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिसम इज इट एग्जैक्टली कॉल्ड और थर्ड आ गया इसका रोमांटिसिजम के साथ रिलेशन क्या है अब आप कहोगे एक तरफ क्लासिसज ऑन ऑन दाई हैंड रोमांटिसिजम बट दीज आर क्लोजली रिलेटेड

वी नो लॉन्गर नो हमें नहीं पता तो बेसिकली आपका ऐसे है अबाउट डेफिनीशन ऑफ क्लासिसम वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासेसम और इसका रोमांटिसिज्म के साथ क्या रिलेशन है सो so, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है विद ही पुट्स फोर्थ वेरियस क्रिटिकल ओपिनियन एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्लासिसिज्म तो सबसे पहले हमें राइटर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिसिज्म भाई है क्या वॉटेयर हैज़ यूज दिस टर्म फॉर द राइटर्स एंशियट टाइम्स तो वॉल्टर ने इसको यूज किया था किन के लिए जो एंशियंट टाइम्स के राइटर्स हैं उनके लिए वॉल्टेयर ने यूज किया था स्पेशली दोज हु बिलोंग टू ग्रीको लेटर्न लिटरेचर उनको उसने रियल ऑथर्स कहा क्लासिकल ऑथर्स कहा और फिर उसने ये पॉइंट आउट किया कि अगर कोई इंसान अ मैन हू हैज रेड क्लासिकल एनी थिंग इन लाइफ तो उनको मॉडर्न राइटर्स जो है वो पसंद ही नहीं आएंगे और यहाँ पे फिर फीचर्स बताए जा रहे हैं कि ये जो क्लासिकल लिटरेचर है इट इज़ रिप्लीट विद आइडियलिज्म क्लासिकल लिटरेचर में आइडलिज्म की बात होती है गुड सेंस की बात होती है और हाई डिक्शन बैलेंस एंड रिस्ट्रेन तो ये फीचर्स हैं क्लासिसिज्म के रिप्लीट होता है भरे हुए होना आइडियलिज्म है जैसे आपने बचपन में ऐसे किए हुएंगे आइडियल स्टूडेंट आइडियल मदर वैसे आइडियलिजम गुड सेंस लॉजिकल चीजें हों बहुत हवा वाली बातें ना हों हाई डिक्शन बैलेंस एंड रिस्ट्रेन सो ही ऑल्सो एडमिट्स दैट देर आर राइटर्स अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिसम जो है वो रेकरिंग आइडिया है बार बार आता रहता है सो so यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन हैज कीप इन माइंड इज इट वॉज देयर इन सेवेंटीन सेंचुरी टू टो he also admits that there are writers in the 17th century too who are worth remembering so तो kehta 17th century mein bhi kuch writers hain jinko yaad karna zaruri hai in the same sense raymond naves to pehle voltaire ne bataya ki कैसे classical authors, idealism और good diction इनको follow करते थे और अब second scholar जो हम यहाँ जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं रेमेंड ने क्लासिसम इजेंशियल एक्सप्रेशन ऑफिकुलर टेस्ट कि क्लासिज्म क्या है एक पर्टिकुलर टेस्ट का एक्सप्रेशन है इसको बहुत अव्वल दर्जे का टेस्ट माना जाता है रेमेंड यहां पर एड कर रहा है कि जो ट्वेंटी सेंचुरी का क्रिटिसिज्म था ना उसका मेन पर्पज ये था कि क्लासिसिज्म को रिकगनाइज करा जाए सेंटिफाई किया जाए जो भी क्लासिज्म प्रीवियस सेंचुरीज में है सो so, यहाँ पे दोबारा से वॉल्टर क्या कहते हैं एक तो वॉल्टेर ने ऊपर डेफिनेशन दे दी उन्होंने क्लासिकल राइटर्स को कहा है ग्रीको रोमन लिटरेचर वाले राइटर्स को कहा है आर गुड राइटर्स राइट वो क्लासिकल कहानी के लायक हैं। अब यहाँ पे वॉल्टर फिर से कह रहे हैं इन हिज आर्टिकल कॉल्स द राइटर्स ऑफ लुई फोर्टीन सेंचुरी लुई फुटिन की सेंचुरी के राइटर्स को भी उन्होंने गुड राइटर्स कहा है इन एडिशन टू द क्लासिकल क्लासिकल ऑफ़ इस एज तो उन्होंने अपनी सेंचुरी में लिखने वाले राइटर्स की तो तारीफ की ही की है उसके अलावा सेवनटीन सेंचुरी में जो राइटर्स लिखते थे उनका भी रेफरेंस है बट हियर इज द क्वेश्चन अब नाउ यहां पे क्वेश्चन है अगर वो सेवनटीन सेंचुरी में भी, भी है क्लासिज्म पुराना भी है तो भाई म कैन लेवल ऑफ क्लासिकल राइटर बी गि किसको क्लासिकल राइटर बोलोगे आप एग्जैक्टली exactly. सो so, सबसे पहले यहाँ हमारे राइटर बताते हैं कि फ्रेंच स्कूल में कल्चर जो था एंटीक्विटी का पुराना जो कल्चर था उस पर लेसन दिए जाने लगे क्यों ताकि बच्चों को कंपैरिजन में आसानी रहे बच्चे देख पाएं कि जो बहुत अच्छे लेवल का लिखते थे उवर दे कैसा लिखते थे और उनके कंपैरिजन में आजकल की राइटिंग कैसी है सो द ऑथर्स ऑफ ग्रीको लेट लिटरेचर वर कम्पोज वर कम्पेयर सॉरी सॉरी वर वेयर इन क्वालिटी विद फर्स्ट रेट ऑथर्स तो जो पुराने ऑथर्स थे उनको फ्रेंच ऑथर्स के साथ कंपेयर किया गया या आप ये कहो कि फ्रेंच ऑथर्स को पुराने राइटर के साथ कंपेयर किया गया अब क्या फ़ायदा इसका यू अप्रीशिएट देम बिकॉज ऑफ द कंपेरिजन्स तो यहाँ से अब दिस हेल्प्ड इन डराइविंग टू थ्री मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्लासिकल तो जब आप क्लासिसिज्म के साथ क्लासिकल चीज़ों के साथ कंपेयर करते हो आपको डिफरेंट वर्जनस मिलती हैं इन दिस रिगार्ड मेरी जोसफ स्टे सेज दैट दो हुआ रेड अगेन एंड अगेन हु आर एडमायड फॉर लॉक दे हैव हैव द ऑनर ऑफ बी कॉल्ड क्लासिकल ऑथर्स तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरानी सेंचुरी के राइटर्स ही क्लासिकल राइटर्स हैं एवन राइटर्स दोज हुआ रेड अगेन एंड अगेन कैन बी क्लासिकल ऑथर्स तो जो आज के मॉडर्न हैं अगर वो बार बार पढ़े जाते हैं वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं तो कल को आने वाले टाइम पर हो सकता है हमको भी पोस्ट मॉडर्न राइटर्स या उनका भी कुछ ऐसा ही बिकॉज वेन वी आर राइटिंग तब नहीं हमें कोई ये खिताब देता कि हम क्लासिकल हैं कि कौन है सेंचुरीज आफ्टर हम पे रिसर्च होती है फिर हमें बताया जाता है मतलब हमें नहीं फिर दुनिया को बताया जाता कि ये क्लासिकल राइटर थे सो जीन जैकूसो एज अ राइटर सर्टनली रैंक्स अमंग द लीडिंग क्लासिकल ऑथर्स ऑफ फ्रांस तो इनको तो इस कॉन्टेक्सट में बहुत अच्छे जो है क्लासिकल ऑथर्स कहा जा सकता है इन डी द क्लासिकल टेस्ट स्टैंड अनडाउली स्टैंड सुप्रीम इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट ओवरलोक्ड बट देर आर सर्टन राइटर्स हू हैव ब्रोकन अवे विद द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एंड स्टाइल लेड बाय द क्लासिकल ऑथर्स तो क्लासिज्म कैसा है ये एटम की तरह है जो साइंस में पढ़ा है ना आपने ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना इसको क्रिएट किया जा सकता है एंड देयर आर सर्टन राइटर्स जिन्होंने नाता तोड़ लिया किससे रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो थे जो लिखने के रूल्स थे क्लासिसम के उनसे नाता तोड़ लिया नाउ दिस इज वेयर द वर्ड रोमांटिक एंटर्स ये वाला सेम पोर्शन आपका कि रोमांटिसिज्म कहाँ से आया यू कैन इवन एरिट इन द फोर्थ फिफ्थ यूनिट जहां पे आपने बात ही यही करनी है मे चिप्रम्स भी यही बात कर रहे हैं सीजम पेरी भी यही बात कर रहे हैं सो दिस इज वेयर वी आर रोमांटिक एंटर्स द रेलम ऑफ लिटरेचर विद द न्यू मीनिंग बट स्टें क्या कहते हैं स्टेटेड दैट क्लासिसम एट द टाइम देशन वॉज राइटिंग एंड लिविंग क्लासिसम शुड बी कॉल्ड रोमांटिक तो अलग अलग राइटर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली क्लासिज्म का मतलब है बहुत ही इंस्पिरेशनल थाट तो जब उस थॉट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आती है और हम वर्ड की तरफ इमोशन uh, की तरफ सॉरी चाहते हैं तो दैट इज फिर वहाँ पे वो क्लास रोमांटिक हो जाता है इट शुड बी कॉल्ड रोमांटिक उसको रोमांटिक कहा जा सकता है ही अ सिमिलेटेड द टर्म्स इन टू डिफरेंट वेज तो अलग अलग स्कॉलर्स की दी गई जो टर्म्स हैं स्टेंथल ने उनको इकट्ठा कर दिया कैसे एक टर्म है इमिली डिशनेल ने कहा है रोमांटिसिज्म ऑफ द क्लासिक्स क्लासिक्स का रोमांटिसिज्म कैसे हो सकता है जब रोमांटिसिज्म में रिलैक्सेशन आ जाए और इमोशन ज्यादा पावरफुल हो जाए एंड एंड्रे गाइड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिज्म रोमांटिसिज्म तो कहते हैं अगर क्लासिसिज्म में क्लासिसिज्मिज्म क्या है रोमांटिसिज्म है रोमांटिसिज्म को वहां दबाया गया इमोशन को तो अगर उसको uh, मतलब थोड़ी सी अगर क्लासिसिज्म में रिलैक्सेशन आ जाए तो वो रोमांटिसिज्म हो जाएगा रोमांटिसिज्म में स्ट्रिक्टस आ जाए दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू सो वैन द डिफरेंस बिटवीन द टू अगर रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म इनका डिफरेंस हम निकाल दें वॉट इज लेफ्ट बिहाइंड वी आर लेफ्ट बिहाइंड जनरल एग्रीमेंट ओवर द फीचर्स ऑफ द टू इन दोनों के फीचर्स के ऊपर uh, इनको कंबाइन करके जो इनके फीचर्स हैं अगर हम डिफरेंस निक, uh, निकाल दें तो सिर्फ एक जनरल एग्रीमेंट बचेगा अर्नेस्ट रेनन थिंक्स दैट द इम्प्रेशन वन गेट्स इन रीडिंग ग्रेट रोमांटिक बुक्स इज पेनफुल दर इज एन एम्परीनेस और हॉलोनेस तो यहाँ ये राइटर ये मानते हैं कि अर्नेस्ट रेनन का कहना है कि एक इम्प्रेशन जो आपको नॉर्मल uh, रोमांटिक बुक्स पढ़ के आता है वो पेनफुल है एम्पटीनेस होती है बट यही ऑन द होल अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप कुछ uh, वो देखो क्लासिकल देखो यू विल फाइंड काइंड ऑफ इनर सेशिएशन इनर ग्राटिफिकेसन सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको उनको पढ़ के देर इज कोट दैट वी आर हंगरी एंड विद क्लासिक्स एंड विद द क्लासिक्स वी आर नोन

मॉडर्न लोगों का क्लासिसिज्म है इससे ज्यादा कुछ नहीं है रोमांटिसिज्म अ वेरी सिग्निफिकेंट आइडिया हैज बिन टचड अपॉन द इनसे एस ए दट एवरी क्लासिकल ऑथर विगन बाय बीइंग लिटरेरी रेवोल्यूशनरी नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या मतलब है इसका विगैन बाय बीइंग लिटरेरी रेवोल्यूशनरी तो जब भी कोई राइटर लिखना शुरू करता है या जिन राइटर्स को हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल कह के जब इन्होंने भी पढ़ना शुरू किया और oh, सॉरी लिखना शुरू किया सो वॉट हैपन एम रियली सॉरी दिस इज नॉट अ वेरी नीट कॉपी सो जल्दी जल्दबाजी में बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव यू द मैटर तो उस चक्कर में जो भी कॉपी हाथ में आई आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग दो आई हैव रिटर्न बट आई ट्राई टू राइट इन वेरी नीट हैंड नेक्स्ट टाइम सो तो कहते जब भी किसी राइटर ने लिखा वो राइटर कैसे स्टार्ट करता है एक रेवोल्यूशनरी वन के क्योंकि वो रूल्स को तोड़ता है छोटी सी एग्जाम्पल जब लिटरेचर लिखना शुरू किया इससे पहले ओरल ट्रेडिशन चलता था ओरली बोल के सुनाया जाता था गा के सुनाया जाता था तो जब राइटर्स ने चाहे वो ग्रीक थे चाहे वो रोमन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट किया दे टू वर रेवोल्यूशनरी उन्होंने भी तो रूल तोड़ा है राइटिंग के बजाय ओरल की बजाय राइटिंग में ले आए और इससे क्या हुआ इट प्रोवोक्ड ये टेंडेंसी जो है ना इट प्रोवोक्ड सम फेरी बैटल्स बड़ी खतरनाक सी बैटल छेड़ दी बाई गोइंग अगेंस्ट द टाइड मीन्स बाय वायटिंग एस्टेबलिश रूल तो एक हलचल तो जरूर बची जब लोगों ने ये सब वो चेंज कर दिया पैटर्न इमली डिशनेल बिलीव दैट एवरी राइटर मेक्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन तो हर एक राइटर इनका इमली डिशनेल का मानना है कि हर एक राइटर अपना एक वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन देता है हर एक राइटर को इनोवेटर कहा जा सकता है वो होता है अपने आप में इनोवेटर

रोमांटिसिजम ऑफ द क्लासिकल ऑथर्स इसके अलावा यहां पर कुछ और एग्जाम्पल्स है राइटर्स की बट यू विल फाइंड दीज डिफिकल्ट कोशिश करिए कि आप हो रेस और लंगजाइंग को ही यहाँ एज एग्जाम्पल डाल के आप कवरअप कर लीजिए तो लाइन्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट अदरवाइज सो पी मोरियो एस्टेब्लिश द थेरी क्लासिज्म ऑफ द रोमांटिक्स लैंड एंड स्पोक ऑफ क्लासिकल नेचुरलिज्म Fontchet said that a realist romantic is no less than a classical writer. तो अगर आप romantic age में भी realist हो आप realist की तरह लिखते हो तो आप एक classical writer ही हो On the other hand, Bray stated that all of classical art is pure idealism. तो Bray का मानना था कि जितनी classical art है वो सारी idealism पे based है Perfect husband, perfect wife, perfect son and daughter. आइडियल तो उसमें जो करेक्टर्स होंगे वो भी उनका भी बस वॉट कैन बी द परफेक्ट वन वैसे ही इनको क्रिएट किया जाता सो ऑन ऑल ऑफ अबाव लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अबाव मैं ग्राउंड फ्लॉबर्ट कैन बी कॉल्ड अ रोमांटिक अ क्लासिकल अ रियलिस्ट एन आइडियलिस्ट एक्सेट्रा कैसे नाउ हो रेस एज अ रोमांटिक राइटर ट्रू बट इन केस हो रेस स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स टीचिंग अबाउट रूल्स he will act as a classical author then if he talks of the problems in society he's a realist and yes if he follows uh, creation and everything so he can be idealistic or if he his personality is so he can be an idealist too so every writer has every date for example uh, we generally say you know the female शी इज़ अ डॉक्टर शी इज अर्स शी इज अ टीचर शी इज अटूडेंट शी इज़ अ लर्नर सो शी इज़ सो मैनी थिंग टुगेदर देन जीन हाइट प्रपोज दैट द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड ऑल द कन्फ्यूजन्स ऑफ इज्म इज टू कम डाउन टू वन और वो क्या है क्लासेसिज्म तो रिलेशन क्या है यहाँ पर दोबारा से रोमांटिसिज्म और क्लासेसिज्म का पीछे भी पढ़ते आए है हम कि इसको एक पैरामीटर लेके चलें एक नॉम बना के चलें और इसके साथ ही बाकीयों को कंपेयर करना है

और अगर क्लासिकल ऑथर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए वो रोमांटिक राइटर हो जाएगा गाइड कंपेयर अ क्लासिकल ऑथर विद अ रोमांटिक राइटर फॉर होम द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू बी बट टू अपीयर डीपली मूव्ड तो इनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्लासिकल ऑथर को रोमांटिक uh, के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं फॉर होम द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू बी उसके लिए नॉट टू बी इंपॉर्टेंट नहीं है होना इंपॉर्टेंट नहीं है बट टू अपीयर डीपली मूवड यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने मूव्ड आप दिख रहे हो कितने uh, दिल को छू गई आपकी बातें फॉर गाइड क्लासेसिज्म इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द मोस्ट वाइल्ड सेंग दीस्ट तो गाइड के लिए क्लासेसिज्म क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गागर में सागर भरना द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द मोस्ट वाइल्ड से इंग द लीस्ट बहुत कुछ कहना सॉरी uh, बहुत कुछ Uh, अंदर रखना एक्सप्रेस करने को होना और बहुत कम शब्दों में वो करना सो ही इवन एट क्लासिज्म फ्रेंच फिनोमिना तो उन्होंने ये भी बात करी है कि फ्रेंच फिनोमिना है क्लासिसिज्म का इट्स एसेंस लाइज इन स्ट्राइकिंग बैलेंस फिर से वही लॉजिक इन लॉजिकल टिकर ग्रेस स्ट्रेंथ एंड जेंटलनेस प्रसीजन एंड पोइट्री उसके बाद वेलरी का क्या मानना है वेलरी कहते हैं कि वेलरीज ऑफ द ओपिनियन इज टू कम फॉरवर्ड कि इसका मेन एसेंस क्या है मेन मुद्दा क्या है फॉरवर्ड होना क्लासिज्म का मतलब है आगे आना क्लासिकल ऑथर है तो कहते हैं क्लासिकल ऑथर जो होता है उसके अंदर ही क्रिटिक छुपा हुआ है क्लासिसम फॉलोज रोमांटिसिज्म बट फॉर सम रेनिसा प्रोवाइड प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ क्लासिसम सम से बेरोड फॉलो तो ये ओपिनियन है लोगों के कुछ का मानना है कि क्लासिज्म के बाद मिडीवलिज्म ही आता है कुछ का मानना है कि इसके बीच में बेरोक स्टाइल आना चाहिए तो बेरोक स्टाइल का मतलब पर्ल्स की दुनिया से आया हाफ कट पर्ल्स और जैसे वो वन सेमी सर्कल बनाया हो तो वो ऊपर से राउंड होता है तो ये पर्ल्स की वर्ल्ड से ये वाला कॉन्सेप्ट आया आर्किटेक्चर में और आर्किटेक्चर से आया लिटरेचर में विच मीनस ओवर Uh, decoration or over decorative language, but Henry Pyra concluded that the statement with an idea that Baroque has little to contribute to understanding of French classicism. So this part can be left. काफी लेखक हैं, काफी स्कॉलर्स हैं, तो आप थोड़ा भी अगर लिख पाएं तो काम चल जाएगा। मतलब there's no need to write each and every critic in the paper. So in short

तो हर जगह ही होगा और जनरेशंस को क्लासिज्म जो है वो करता रहेगा इंस्पायर इट्स सॉ इट्स जेनेसिस मीन्स इट्स बर्थ इट्स इंसेप्शन इन एवरी कंट्री अंडर विद डिफरेंट कंडीशन तो हर जगह ही क्लासिज्म आया है और अलग अलग कंडीशंस के साथ थोड़ा सा डिफरेंस रहा है सम स्कॉलर्स बिलीव इट्स कनेक्टिविटी विद रोमांटिसिज्म एंड सम क्रिटिक्स कंसिडर इट डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक स्टाइल तो कुछ ने क्लासिकल के साथ जोड़ दिया इसको रोमांटिसिज्म को और कुछ ने अलग कर दिया in the essay the term has been granted to the master works of dozen of dozen french writers of 17th century to yahan pe dimag mein rakhne wali ye point it is to be kept in mind ki jo french authors hai na inhi ke paas french writers जो हैं 17th century के पास इन्हीं के पास जो young uh, in the essay the term has been granted किसको ये दी गई है? किसको नवाजा गया इस टर्म के साथ मास्टर वर्क्स हैं जो फ्रेंच राइटर्स के सेवेंटीन सेंचुरी के उनको इस टर्म के साथ नवाजा गया है दस इट इज नॉट ईजी टू रीच अ कंक्लूजन वॉट एक्चुअली क्लासिसिज्म मीन्स तो कुछ पक्का एविडेंस नहीं है इसका मतलब नहीं पता हमें कि क्लासिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एंड वेदर क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म आर टू कंप्लीटली डिफरेंट लिटरी योनर्स और नॉट ना ही हमें यह पता चला है कि ये दोनों जो लिटरी टर्म्स हैं आइर देर कनेक्टेड और नॉट कौन कौन सी दो टर्म्स क्लासिज्म और रोमांट सिजम तो हमें नहीं पता ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग है यह सिमिलर है द वेरी मेंशन यहाँ पे मेंशन वर्ड है द वेरी मेंशन ऑफ क्लासिसम रिमाइंड जॉर्स रेफरेंस तो फ्रेंक्यूज जॉस ने एक बात कही है फर्स्ट आपके आंसर में फर्स्ट यूनिट में उसको हमने यहाँ भी यूज़ कर लिया क्लासिसिज्म इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक सेंचुरीज कि जो क्लासिसिज्म है वो स्पेसिफिक सेंचुरीज के साथ जुड़ा हुआ है ही नहीं है क्लासिसिज्म इज़ अ अकरिंग फिनिना कभी भी अच्छी कंडीशंस में कहीं भी आएगा सो आई होप दिस पर्टिकुलर एस इज स्टिल मेकिंग सम सेंस पे एक और पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट रोमांटिसिज्म uh, का डिफरेंस जो आपको थोड़ा सा याद रखना है और वो पॉइंट ये है कि जो रोमांटिसिज्म uh, राइटर्स हैं दिस इज अदरवाइज फ्रॉम जॉस यू कैन ऐड इट हियर तो वो पॉइंट है कि ये जो क्लासिकल राइटर्स uh, हैं दे टू हैव वायलेटेड द रूल्स मतलब रूल्स को फॉलो ना करना या अपने सिरे से कुछ डिफरेंट लिखना तो वो भी रेवोल्यूशनरी रहे हैं उन्होंने भी रूल्स तोड़े हैं और Uh, इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट की जो आपका रोमांटिसिज्म uh, पीरियड है रोमांटिसिज्म इज अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ सेल्फ क्वेस्ट फॉर सेल्फ और सोशलिज्म के साथ उसका कंपैरिजन आया सोशलिज्म में सेल्फ एंड सोसाइटी है और रोमांटिसिज्म में आएगा सेल्फ वर्स अ सोसाइटी तो अपने आप को खोजने की एक जद्दोजहद है सो वो दैट पॉइंट हैज़ टू बी कैप्टन माइंड उसको भी याद रख लीजिएगा आई आई होप यू आर गोइंग टू वर्क वंडर्स इन योर फाइनल एग्जाम्स आप बहुत अच्छा पेपर करके आने वाले हो सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर बाय नाव